आपके साथ बहुत सारे किचन रिलेटेड आइटम शेयर करने वाली हूँ। And you are watching the Urban Womania. So here I am, जहाँ पे मैं आपके साथ बहुत सारे किचन रिलेटेड आइटम शेयर करने वाली हूँ। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को हम साथ में देखेंगे जो कि होने वाला है मीशो एंड अमेज़न से, एंड आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स नीचे कमेंट में मिल जाएंगे। सो आप में से हर वो इंडिविजुअल शख्स जिसने मुझे प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, व्यू दिया है, आप सबका तहे दिल से मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ, एंड होप करती हूँ कि आज का भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इनटू द कंटेंट। सो गाइस, जितने भी पार्सल्स आज मैं आपको शो करूंगी ना, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो है वो मीशो से है, जो कि सारे काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, बट कुछ प्रोडक्ट्स है जो कि मैंने जो एक्सपेंसिव टाइप के थे, जो थोड़े अच्छी क्वालिटी के हैं ना, वो अमेज़ॉन से लिए हैं, राइट? तो आपको अमेज़ॉन वाली चीज़ें पर थोड़ी कम मिलेगी। हाँ, मीशो से ही मैंने ज़्यादा चीज़ें मंगाई है क्योंकि अफोर्डेबल मिल जाती है। तो सबसे पहला पार्सल है सेट ऑफ 6 कंटेनर जार। ये ग्लास मटेरियल का है एंड एयर टाइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, इतने अच्छे से ये पैक होकर आया था, इतना ज़्यादा सिक्योर था इसकी पैकेजिंग, एंड बहुत अच्छे से था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, एक भी पीस में डैमेज नहीं था, नीचे थर्मोकॉल लगा हुआ था। सो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके के ब्यूटीफुल से जार्स मिल जाते हैं, एंड इसकी जो कैपेसिटी है वो 1100 मिलीलीटर है, एंड इसका जो मेटल का आपको कैप देखने को मिल रहा है, ये एयर टाइट है, काफ़ी अच्छा ग्रिप है। आई थिंक ये इस रेंज में बहुत ज़्यादा है, सबके प्राइसेस आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएंगे, एंड मुझे पर्टिकुलरली ये पीस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि इस प्राइस में ना आपको इतनी अच्छी क्वालिटी का ग्लास मिल रहा है, एंड इसमें आप अपने किचन के सारे आइटम्स को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। स्टैकेबल भी है, बट ग्लास है तो हम स्टैक करके यूजुअली नहीं रखते हैं, बट आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। नेक्स्ट पीस अगेन मैंने ना ड्राई फ्रूट्स के लिए ये जार्स परचेज किया है, ये भी 6 का सेट है, एंड इसकी भी पैकेजिंग काफ़ी अच्छे से होकर आई है। आप देख सकते हो ये फोम शीट में इस तरीके से रैप हुआ हुआ था, एंड दोनों की पैकेजिंग बहुत अच्छी है। सेम सेलर से मैंने लिया है, ग्लो शाइन इसका जो सेलर है, जो ब्रांड है, ये ग्लो शाइन लिखा हुआ है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 450 मिलीलीटर्स है, एंड इसका जो कैप है वो मेटल कैप है, एंड ये भी एयर टाइट है। इसका ना लेंथ काफ़ी है, 6 सेंटीमीटर्स का लेंथ आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये काफ़ी स्लीक है, तो इसमें आप ड्राई फ्रूट्स को फिल करके आप फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में बहुत अच्छे से आप इसे जो हमारे डोर्स होते हैं रेफ्रिजरेटर के, उसमें आप बहुत अच्छे से इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मिर्च एंड धनिया इस टाइप की चीज़ें भी आप टिश्यू पेपर में रैप करके इसे अपने फ्रिज में रख सकते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, एंड बहुत जल्द आपको ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करते हुए भी एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ये देख सकें कि मैंने इन सारी चीज़ों को किस वे से अपने किचन में स्टाइल किया है। मुझे इस रेंज के हिसाब से ना ये बहुत अच्छा लगा है, आप किचन में भी अपने मसाले वगैरह स्टोर करने के लिए रख सकते हैं, ग्लास की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब जो नेक्स्ट आइटम है, इसे देख के मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुई थी, नॉट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी बट बिकॉज ऑफ द कलर, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2-tier स्टील रैक ऑर्डर किया था, लेकिन मैंने वाइट कलर में ऑर्डर किया था, बट मुझे यहाँ पर ब्लैक कलर में रिसीव हुआ है। सो क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, काफ़ी ड्यूरेबल क्वालिटी की ये शेल्फ हमें मिल जाती है। इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ है, आप अपने वैनिटी में, वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं, किचन में तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसे किचन के लिए ही ऑर्डर किया था। अब आई एम नॉट श्योर कि मैं इसे रिटर्न करके वाइट रीऑर्डर करूँगी या यही रख लूँगी, वो उसके लिए आपको नेक्स्ट मेरा जो किचन मेकओवर वीडियो पोस्ट होने वाला है कुछ ही टाइम में, उसमें आप देखेंगे। सो गाइस, वीडियो में आगे प्रोसीड करने से पहले एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, एंड आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिस हेयर ड्रायर फ्रॉम अगारो। सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस दिस टू यू। सो बेसिकली ये है अगारो वॉल्यूमाइजर हेयर ड्रायर, जिसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की आती है, एंड आई एम श्योर कि आपने अगारो के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत अमेजिंग से प्रोडक्ट्स ये लोग लेकर आते हैं।
हमें कुछ इस टाइप का हेयर ड्रायर देखने को मिलता है। काफी ज्यादा अच्छे कलर ऑप्शंस हैं। वैसे आपको 3 कलर ऑप्शंस मिलेंगे। सो ये कुछ इस टाइप का दिखता है। इतना ज्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट है ये, जिसमें आपको एक्टिवेटेड चारकोल ब्रिसल्स, एंटी स्कैल्टिंग टिप एज वेल एज स्वीवल पावर कॉर्ड देखने को मिल जाएगा। एज वेल एज इसमें 3 हीट एंड 2 स्पीड सेटिंग्स भी है। इजी टू यूज है, आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हो, कर्ल कर सकते हो, अपने हेयर को बहुत अच्छे से वॉल्यूम प्रोवाइड कर सकते हो। एक बहुत अच्छा सा शाइन ऐड हो जाता है। जस्ट मेक श्योर कि आप हेयर सीरम या हीट प्रोटेक्टेंट कुछ भी डेफिनेटली अपने हेयर पे यूज कर लें, सो दैट आपके हेयर खराब ना हो। आपको बस इसे नॉर्मल ब्रश की तरह यूज करना है, छोटे छोटे सेक्शंस को लेकर, देन आप ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न करके अपने हेयर में बहुत अच्छे से वॉल्यूम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये स्टाइलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा है। एंड यू कैन सी कि मेरे हेयर कितने स्ट्रेट एंड शाइनी लग रहे हैं। एक बार यूज करके जरूर देखना, यू आर गोना लव इट। तो आप आराम से अपने पैसे इस ब्रश में इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। तो इस प्रोडक्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी, तो आप वहां से अपने लिए जरूर ग्रैब कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मल्टीपर्पज प्लास्टिक वॉल शेल्फ मैंने परचेज किया है। ये 2 के सेट में आता है, वाइट कलर का है। एंड इसके लिए आपको ना वॉल माउंट में आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके साथ आपको ये स्टिकर्स मिल जाते हैं। ये वॉल पे एंड वुड पे थोड़ा कम इसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है, बट टाइल्स वगैरह में ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो इसमें आप 2 kg तक की चीज़ों को 2 kg तक ये वेट ले लेता है अगर आप इसे टाइल्स में स्टिक करें। सो वॉशरूम एंड किचन के लिए बहुत ही अच्छा है। एक में आपको नॉर्मल रैक मिलता है, और जिसका दूसरा पीस है ना, उसमें आपको एक अलग से हैंग करने के लिए भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अपने टॉवल्स हैंग कर सकते हैं वॉशरूम में, या फिर किचन में जो हम वो वाइप्स यूज़ करते हैं, आप वो सारी चीज़ें भी इसको ड्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए मंगवाई है क्योंकि बहुत जल्द दिवाली का टाइम आने वाला है, और उसके पहले मैं पूरी डीप क्लीनिंग प्लस कंप्लीट मेकओवर देने वाली हूँ किचन का, जिसके रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। एंड इसलिए मैं कह रही हूँ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज बहुत हेल्पफुल वीडियोस आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है, बिकॉज ये है प्लास्टिक कटलरी स्टैंड। एंड वेस्ट साइड वगैरह में ना आपको इस टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मेटल के होते हैं वो और काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, बट इस रेंज में हमें यहाँ पे मिल्की वाइट एंड पीच कलर में मिलता है। पीच कलर का आपको यहाँ पे ऐसे ट्रे देखने को मिल जाएगा, एंड ये डिटैचेबल आपको होल्डर्स मिलेंगे। नीचे से इसमें होल्स दिए हैं ताकि वाटर वगैरह जो है वो ईजिली निकल जाए इसमें से। एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। एंड फ्रंट में इसमें स्पून फोर्क एंड नाइफ का इमेज बना हुआ है, जो कि कुछ टाइम के बाद आई गेस हल्का सा ये फेड हो सकता है, बट बैक में बिल्कुल प्लेन है। तो अगर ये निकल जाए ना, लाइट हो जाए, तो आप परमानेंट मार्कर से इसको वापस से रीड्रॉ भी कर सकते हैं, या फिर प्लेन वाइट भी अच्छा ही लगेगा। तो मुझे इस रेंज में इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, एंड देखने में ये एक्सट्रीमली एस्थेटिक लगता है। तो किचन मेकओवर का मेरा ये बेसिकली थीम होने वाला है, वाइट एंड इस तरीके के प्रिंट्स वाली चीज़ें, वो हम DIY भी करेंगे। तो मैं उस वीडियो के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, तो आप ये डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था ये चॉपिंग बोर्ड। अब मैं आपको ना सबकी पैकेजिंग दिखा के बोर नहीं करूँगी। सो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था ये चॉपिंग बोर्ड, और इतने सस्ते में मुझे ये मिला है ना कि मैं श्योर ही नहीं हो पा रही थी। इसे मैंने 3-4 days यूज़ कर लिया, एंड इसमें नाइफ के आपको ऐसे कट्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये ना वुडन नहीं है, आई शुड से ये प्लाई बोर्ड है, राइट? तो प्लाई के ऊपर सनमाइका इन्होंने वुडन वाला स्टिक कर दिया है। जो एक्चुअल फुल वुडन वाला बोर्ड होता है ये वो नहीं है, बट दिखता बिल्कुल वैसा ही है। बट इतने अफोर्डेबल प्राइस में आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड जस्ट 124 rupees का मुझे ये मिला है, जो कि बहुत अच्छा है। बहुत सारे इमेजेस एंड रेटिंग्स आपको देखने मिल जाएगी इस सेलर के पास, लिंक मैंने नीचे दे दिया है, तो आप उनका रिव्यू भी देख सकते हो। मुझे तो ये प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा लगा है। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था सेट ऑफ 8 प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट ग्लास, जो कि अनब्रेकेबल है, ये ब्रेक नहीं होने वाला है। ब्यूटिफुल कलर्स थे इसके, इसमें एक ग्रे कलर भी आपको मिल जाएगा। इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको 8 pieces मिल रहे हैं। नाउ
हैविंग सेड दिस, प्लास्टिक में पानी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूँगी. बट दिवाली आ रही है एज आई टोल्ड यू, तो आप इसे ना डेकोर पीसेज में भी यूज़ कर सकते हैं. वैसे ये अनब्रेकेबल है, तो कभी अगर आप सर्व करना चाहें फॉर कभी कभी के लिए ठीक है, बट मैं इसे बालकनी डेकोर में यूज़ करने वाली हूँ. जब मुझे ये रिसीव हुआ है तो इस अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये बहुत अच्छा लगा है. आप इसे कैंडल होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या मल्टीपल वे में आप स्टाइल कर सकते हैं. एंड मुझे ये ग्लासेस बहुत बहुत अच्छे लगे हैं. तो प्लास्टिक से अगर आपको इशू ना हो तो आप इसको रेगुलर यूज़ में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अनब्रेकेबल है एंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है. फाइबर प्लास्टिक, सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक है ये, फाइबर टाइप का आपको लगेगा, बट इसका प्रिंट, कलर, पैटर्न सब कुछ बहुत अच्छा है इस प्राइस में. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है. इसमें आपको ना पूरा का पूरा डिनर सेट मिलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें ये राइस प्लेट आपको मिल जाएगी जो थोड़ी बड़ी साइज़ की है. लाओ पाला इसका ब्रांड है, मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रही होंगी, बट ये ब्रांड आपको डी मार्ट वगैरह में भी मिल जाएगा. काफ़ी रेनाउंड ब्रांड है ये. एंड इसमें हमें 6 क्वार्टर प्लेट्स मिलती है एंड 6 फुल प्लेट्स मिलती है. इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. मैं इसके 3-4 ऑप्शंस के लिंक नीचे ड्रॉप कर दूंगी. इसमें आपको बहुत सारे प्रिंट मिलेंगे. सो वाइट कलर आपको बेस मिलेगा एंड साइड में जो आपको पैटर्न मिल रहा है ना, ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं, ये आपको काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स एंड प्रिंट्स में मिल जाएगा. ब्रांड बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ये. एंड ये मेलामाइन नहीं है, राइट, ये ग्लास सिरेमिक सॉर्ट ऑफ इसका मटेरियल है. तो ये आपका माइक्रोवेव एज़ वेल एज़ डिश वॉशर सेफ है. बहुत अच्छी क्वालिटी का मुझे ये लगा है. एंड इस रेंज में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है. तो आपको यहाँ पे 6 फुल प्लेट मिलेगी जो कि 250 mm की है. देन आपको 6 क्वार्टर प्लेट्स मिलती है 180 mm की. देन आपको यहाँ पर 6 वेजिटेबल बाउल्स मिल जाएंगे, एक बड़ी साइज़ का और एक थोड़ी छोटी साइज़ का. लाइक 6 बाउल्स आपको छोटी साइज़ एंड 6 बाउल्स आपको थोड़ी बड़ी साइज़ का मिलेगा. सब में कुछ इस टाइप का प्रिंट किया हुआ है. ओके, एंड इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है. प्लस इसका जो साइज़ है ना, बहुत एप्रोप्रिएट है वेजिटेबल्स, दाल, सूप्स के लिए. इसके साथ हमें 6 सूप के स्पून्स भी मिल जाते हैं, प्लस आपको यहाँ पे सॉल्ट एंड पेपर का 2 पॉट्स भी मिल जाएगा. इसके साथ साथ हमें 2 सर्विंग बाउल्स मिलेंगी जो थोड़ी बड़ी साइज़ का है. एंड ओवरऑल ये जो किट है, ओवरऑल जो सेट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है. आप आराम से ले सकते हैं, हाईली रेकमेंडेड. नेक्स्ट मैं आपके साथ प्लास्टिक के कंटेनर जार्स शेयर करने वाली हूँ जो कि किचन के लिए बेस्ट है. इसमें आपको टोटल 18 बॉक्सेस मिल जाते हैं 3 डिफरेंट साइजेस में. सो जो बड़ा बॉक्स है वो 1 kg तक की कैपेसिटी उसमें आ जाती है. छोटा वाला आपको 500 ग्राम्स मिलेगा एंड छोटा और उससे छोटा वाला 100 ग्राम्स. ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये मैंने लास्ट हॉल में आपके साथ शेयर किया था जो कि सेलो ब्रांड का था. एंड मुझे कुछ कमेंट्स आए कि मैं आपसे मीशो पे अवेलेबल कम प्राइस वाले बॉक्सेस शेयर करूं, तो हियर इट इज़. सो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. 300 रुपीज़ में हमें 18 जार्स मिल जाता है. इसमें ना प्रिंट मुझे दूसरा शो किया था, ये थोड़ा डिफरेंट प्रिंट रिसीव हुआ है, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा फ्लिम्सी है, बट इस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छा है. आप डेली यूज़ में आराम से यूज़ कर सकते हैं. एंड ये स्टैकेबल भी है, रखा हुआ बहुत अच्छा लगता है, एयर टाइट है. आई वुड हाईली रेकमेंड गाइज, आप बिल्कुल ले सकते हैं. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सेट ऑफ 2 के ये मेलामाइन प्लेट्स परचेज किए थे एंड मैंने इसे 2 क्वांटिटी में परचेज किया था. 191 रुपीज़ में मुझे ये मिला है. एंड इसमें ना आपको टेक्सचर्ड पैटर्न्स मिल जाता है. इसमें ब्लैक कलर भी अवेलेबल है, मैंने इसे वाइट में परचेज किया है. बहुत प्रिटी लगता है. कैफेज़ में यूजुअली हमें इस टाइप के प्लेट्स मिलते हैं एंड इसमें अभी दिवाली भी जैसे आएगी या फिर घर में इस टाइप के प्लेट्स हमारे रेगुलर स्नैक्स के लिए भी बहुत अच्छे लगते हैं. बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा है मुझे. इसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग है. हो सकता है आपको थोड़ा एक्सपेंसिव लगे 2 प्लेट्स के लिए ये प्राइस, बट ट्रस्ट मी इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है. एंड मेलामाइन के हिसाब से ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है. एक और ऑप्शन मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये मैंने ऑनलाइन नहीं परचेज़ किया, ये मैंने विशाल मेगा मार्ट से परचेज़ किया था. तो इसी सेम टाइप में आपको बहुत सारे प्रिंट्स विशाल मेगा मार्ट एंड डी मार्ट में भी मिल जाएगा. 69 या 79 में मुझे ये 1 प्लेट पड़ा था. तो आप दोनों में से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन
प्रिंट्स दिखा दिया, आपको जो सही लगे आप वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको रोटी रखने के लिए ये पाउचेस आपको दिखा रही हूँ। 100% प्योर कॉटन मटेरियल में सेट ऑफ 4 हमें रिसीव हो जाता है। इसमें आपको ना रैंडम प्रिंट्स मिलेंगे, प्रिंट कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ पर वेलक्रो लगा हुआ है। इसकी स्टिचिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से स्टिच होकर आया है। आप इसे मशीन वॉश भी कर सकते हैं। एंड अंदर पे हल्का सा फोम लगा हुआ है एंड ऊपर की जो मटेरियल है वो कॉटन मटेरियल है, राइट। एंड आप स्टिचिंग देख सकते हैं, डिटेलिंग बहुत अच्छा है। मुझे बस एक प्रॉब्लम लगा है कि ना इसकी साइज़ काफ़ी छोटी है, मतलब अगर मैं स्टैक ऑफ रोटीज इस पे रखती हूँ ना तो साइड से इसमें गैप्स छूट जाते हैं। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, 200 में आपको 4 पीसेस मिल रहे हैं। तो आप हल्का सा खुला भी है, लाइक ये यूज़ करके आप कैसरोल में अगर अपनी रोटीज़ रखते हैं तो फिर ये आराम से फीजिबल है। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा लगा है। इसमें राउंड शेप भी आता है, वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने मीशो से ये चॉपर रीपर्चेज किया है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मुझे बड़ी साइज़ का मिल गया है। इसमें हमें 5 ब्लेड्स मिलते हैं। कुछ प्लेट्स हैं जो वॉशिंग एरिया में हैं तो मैं वो पिक करके नहीं लाई हूँ, बट इसमें आपको डबल कटर मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है ये चॉपर, आप आराम से ले सकते हैं। एंड यहाँ पर छोटा वाला चॉपर पीजन ब्रांड का मैंने अमेज़ॉन से भी परचेज़ किया है। तो इसमें आपको सिंगल ब्लेड मिलता है एंड क्वालिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी है। तो आपको जैसा रिक्वायरमेंट हो, बड़ी साइज़ या छोटी साइज़, ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड दोनों ऑप्शन मैंने यहाँ दिखा दिए, आपको जो सूटेबल लगे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने सेट ऑफ 12 स्पून्स परचेज किया है। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, मीशो से मैंने पहले मंगवाया था बट उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं थी तो मैंने रिटर्न कर दिया। 269 रुपीज़ में हमें यहाँ पे 12 का सेट मिलता है। इसकी फिनिशिंग बहुत स्मूथ है, मतलब बहुत प्रीमियम क्वालिटी के कटलरीज मुझे लगे हैं ये, आप आँख बंद करके ले सकते हैं। एंड इसमें ना जो आपका स्पून होल्ड करने वाला जो एरिया है वहाँ पे ना मैंने प्लेन ऑर्डर किया है। इसमें प्रिंट होते हैं ना तो कुछ टाइम के बाद वो इजीली क्लीन नहीं हो पाता है, तो मैंने प्लेन ही ऑर्डर किया है। सिमिलरली मैंने 12 के सेट में फोर्क्स भी ऑर्डर किए हैं एंड ये भी मुझे 279 रुपीज़ में रिसीव हुआ है। सेम ब्रांड है दोनों एंड ये भी बिल्कुल प्लेन है, फिनिशिंग इसकी भी बहुत अच्छी है, फोर्क की आप ईजिली ले सकते हैं। एंड मीन्स 12 क्वांटिटी आपको इस रेंज में मिल रहा है, दोनों साथ में बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सेम फैमिली का लग रहा है। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया है एंड आई वुड हाईली रेकमेंड, अगर आप स्पून्स ढूंढ रहे हैं, फोक्स ढूंढ रहे हैं तो आप डेफिनेटली ये ले सकते हैं। आई गेस रेगुलर के लिए नहीं भी तो आप 6 रेगुलर एंड 6 स्टोर कर सकते हैं कभी कोई गेस्ट आया उस टाइम के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर फोक एंड स्पून का ये होल्डर मैं आपको शो कर रही हूँ। ये मैंने होम सेंटर से लिया था, ये ऑनलाइन नहीं लिया है बट किसी वीडियो में मैंने ये दिखाया था एंड आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपको ऑफलाइन स्टोर जाना पड़ेगा बट मीशो पे आपको सिमिलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं स्क्रीन पे अटैच कर रही हूँ। इस टाइप के कटलरी होल्डर्स आपको 300 के रेंज में ईजिली मिल जाएंगे, उसमें भी सेम मेटल का ही फिनिशिंग यूज़ होता है। इसके साथ साथ होम सेंटर से मैंने सॉल्ट एंड पेपर का ये सेट भी लिया था। सो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था तो मैं आपको बता दूँ, ये भी मेरा ऑफलाइन परचेज़ है, ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था इसलिए मैं लिंक प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। सो इसमें ना आपको वेबसाइट में इस टाइप की चीज़ें मिल जाएगी। इसमें टूथपिक, सौंफ, सॉल्ट एंड पेपर ऐसे लिखा हुआ भी था, इसमें प्रिंट किया हुआ था, तो बहुत प्रिटी लगा था मुझे ये। अराउंड आई थिंक 399 कुछ का मुझे मिला था स्टील मटेरियल में। तो ये दोनों चीज़ें, इससे सिमिलर मुझे जो जो मिलेगा मैं लिंक डाउन कर दूंगी। ये एग्जैक्ट पीसेस का लिंक मैं नहीं शेयर कर पाऊंगी गाइस, क्योंकि ये ऑफलाइन था एंड आपने पूछा था इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। बट हाँ, मीशो पे जो ये होल्डर्स के ऑप्शंस हैं मैं बहुत सारे डाल दूंगी, आप वहाँ से ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, जो पसंद आए आप अपने लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये कोस्टर, ये रेजिन कोस्टर्स हैं एंड इतनी अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुआ है। इसका जो शाइन है ना वो कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है, आपको ज़रूर से ऑर्डर करना चाहिए। जस्ट 360 रुपीज़ में आपको सेट ऑफ 6 मिल जाता है एंड साइड में आपको गोल्डन कलर की फिनिशिंग मिलेगी। प्योर रेजिन
रेजिन मटेरियल यूज़ हुआ है जिसके कारण इसका शाइन बहुत प्रीमियम लगता है, आपके डेस्क वगैरह में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं इसे यूजुअली अपने कैंडल्स जहाँ बर्न करती हूँ उसके नीचे एज अ प्लेट इसे यूज़ करती हूँ, ताकि नीचे का जो मटेरियल है वो यू नो बर्न आउट ना हो, एंड ये देखने में भी बहुत क्लासी लगता है। सो आपके सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल्स में इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा यू नो एस्थेटिक्स ऐड कर देती है। सो आई वुड हाईली रेकमेंड। इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, आपको ड्यूअल कलर के भी ऑप्शंस मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ग्लास का बॉटल परचेज किया है जिसके साथ हमें एक कवर भी मिल जाता है। तो अगर आप ट्रैवल करते हैं ना तो ये बैग में रखने के लिए मुझे परफेक्ट लगता है। प्लास्टिक मैं अवॉइड करती हूँ, मेरा हमेशा ही यू नो ये प्रेफरेंस रहता है कि ग्लास या फिर स्टील हम यूज़ करें, तो इसलिए मैं ये ऑप्शन शेयर कर रही हूँ। छोटा सा है, बैग में बहुत अच्छे से आ जाता है, आप इसे रीफिल कर सकते हैं, एंड कवर होने की वजह से इसमें कोई लीकेज भी नहीं होता, एंड ये थोड़ा सेफ रहता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सेलो का बॉटल शेयर कर रही हूँ। समर्स है, बॉटल्स हमें लगता ही है, एंड मैं आपको बिल्कुल भी प्लास्टिक बॉटल्स रेकमेंड नहीं करूँगी, इसलिए मैं यहाँ पे आपको स्टील एंड ग्लास के ऑप्शंस दिखा रही हूँ काफ़ी सारे। सो ये सेलो ब्रांड का है, बाहर से प्लास्टिक है, इंसुलेटेड है, बट अंदर यहाँ पे स्टील यूज़ हुआ है। ये बॉटल मुझे रिलीजियसली डेली बेसिस पे 2 साल हो चुके हैं यूज़ करते हुए, एंड ये एज इट इज़ है, बस इसका जो ब्रांडिंग था वो वॉश आउट हो गया है। नेक्स्ट अगेन है ये स्टील का 1 लीटर कैपेसिटी का वाटर बॉटल, H2O सेलो का ही है ये, H2O स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल, एंड ये लीक प्रूफ है, बहुत अच्छा है अगेन। बस इसमें ना आप स्क्रब मत चलाइएगा, मैंने ये वॉश बेसिन में डाल दिया था एंड मेरी मेड ने इसे यू नो उस स्क्रबर से बहुत अच्छे से वॉश कर दिया था, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ ना आपको थोड़ा सा स्क्रैचेस दिख जाएंगे। सो आई वुड रेकमेंड कि आप स्क्रॉच ब्राइट से ईजिली इसे वॉश कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इसे आप स्क्रब से मत घिसें। नेक्स्ट यहाँ पर एक और मैं आपको अमेजोन ब्रांड का ही ये इंसुलेटेड वाटर बॉटल शेयर कर रही हूँ। सो इसमें ना आप टी कॉफ़ी आराम से कैरी कर सकते हैं, बहुत देर तक इसमें आपकी चीज़ें जो है वो ठंडी या गर्म दोनों ही रह सकती है, क्वालिटी टॉप नॉच है, अगेन हाईली रिकमेंडेड। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने मीशो से ये सेट ऑफ 4 ग्लास बॉटल्स ऑर्डर किया था, ये मैंने बेसिकली रेफ्रिजरेटर के लिए ऑर्डर किया था, बट थोड़ी बड़ी साइज़ मुझे लगी है, तो अब मैं इसे अपने किचन काउंटर पे ही कुकिंग के टाइम के लिए यूज़ कर रही हूँ 2 बॉटल, एंड 2 बॉटल मैंने इसे डेकोर के लिए यूज़ कर लिया है। तो कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी का हमें ये रिसीव हुआ है, इसका कलर इतना प्यारा है, बहुत प्रीमियम लगा है मुझे, एंड वाटर बॉटल के साथ साथ मैंने एज आई टोल्ड यू 2 मैंने डेकोर पीस के लिए यूज़ किया है, तो कॉक लाइट जो होती है वो मैंने इसमें इंसर्ट किया है, एंड डिम लाइट में ये बहुत प्रिटी लगता है। सो एक किचन में है एंड 3 आप सामने देख रहे हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड अगर आप इस टाइप की चीज़ें चाह रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्लास मटेरियल है, बहुत अच्छी पैकेजिंग के साथ मुझे ये रिसीव हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने सेट ऑफ 6 कप ऑर्डर किया था मीशो से, एंड देखो क्वालिटी मुझे ना इसकी ओके लगी है, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है आई वुड से, हल्का सा मतलब रेंज के हिसाब से ठीक है, एंड प्रिंट भी मुझे ठीक लगा है। मैंने जो ऑर्डर किया था ना वो थोड़े डार्क कलर्स में थे, बट मुझे इसका लाइट मतलब प्रिंट सेम है, कलर कॉम्बिनेशन हल्का सा लाइट है, मतलब जो मैंने देखा था वो ब्राउन एंड ब्लैक सॉर्ट ऑफ था, बट मुझे ये क्रीम टाइप में रिसीव हुआ है, प्रीमियम एक्सपेक्ट ना करें। कप्स का सबसे अच्छा ऑप्शन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सेट ऑफ 6 जो मैंने अमेजोन से परचेज किया है, एंड ये सेलो ब्रांड का है, अभी बहुत अच्छे डिस्काउंट्स हैं इसमें। ये कप्स आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 साल हो चुका है मुझे यूज़ करते हुए, 3 साल पहले मैंने ये लिया था टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड मैं इसलिए यहाँ पे ये आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं रोज़ यही कप यूज़ करती हूँ, बट ये अभी भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पर मार्बल प्रिंट का मैंने कॉफ़ी मग परचेज किया है अमेजोन से, ये 359 रुपीज़ का मुझे पड़ा था, इसमें और भी प्रिंट्स अवेलेबल हैं, बट ब्लैक एंड ग्रे शेड में ना ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, सो आई जस्ट गॉट माई हैंड्स ऑन दिस वन एंड आई एब्सोल्यूटली लव्ड इट। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको एक कप का सेट दिखा रही हूँ जिसमें लिखा हुआ है परफेक्ट पेयर, सो ये एज अ गिफ्टिंग ऑप्शन भी बहुत अच्छा है,
एंड इसमें क्यूट क्यूट से यहाँ पे यू नो ऐसे कार्टून्स बने हुए हैं फोरहेड पे किस करते हुए एंड हग करते हुए, विच आई एब्सोल्युटली लव, एंड ब्लैक कलर में है ये भी, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। बस आराम से अगर आप वॉश कर देंगे तो ये बहुत टाइम तक चलेगा। बस आई वुड सजेस्ट कि आप ना मेड्स के भरोसे इस टाइप की चीज़ों को ना रखें, यूज़ करके खुद वॉश कर लें, फिर सालों साल आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं सेट ऑफ 6 आइसक्रीम कप्स शेयर कर रही हूँ। ये ग्लास मटेरियल में है, 450 रुपीज़ का मुझे ये मिला था। इसकी जो कटिंग है वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी की है। सेम स्टाइल में ना आपको प्लास्टिक मटेरियल में मीशो पे भी मिल जाएगा, मैं दोनों का लिंक ड्रॉप कर दूंगी। अगर आप ग्लास में ढूंढ रहे हैं तो फिर आप अमेज़ॉन से परचेज कीजिएगा, या फिर सेम दिखने वाला प्लास्टिक में अगर आपको चाहिए तो आप मीशो से ले सकते हैं, है ना। ऑर्डर करने से पहले आप ज़रूर चेक कर लें कि मटेरियल क्या है, क्योंकि इमेज में कन्फ्यूजन हो सकती है। ये वाला ग्लास का है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं होममेड कैंडल्स भी बनाती हूँ तो उसके लिए ये दो पीस मैं रखी हूँ, बाकी चार पीसेज है हम चारों के लिए तो वो अलग रखा हुआ है, सो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ग्लासेस परचेज किए थे, अगेन सेट ऑफ 6 मैंने ऑर्डर किया था मीशो से। इसकी क्वालिटी ठीक ठीक आई है, बहुत हैवी ग्लास नहीं है, थोड़ा सा पतला मटेरियल है बट रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसकी जो कटिंग है, फिनिशिंग है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, 6 के सेट में आता है। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि मेरे ये 30 आइटम्स आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत जल्द मैं किचन की डीप क्लीनिंग प्लस कंप्लीट मेकओवर वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी, जहां पर ये सारे प्रोडक्ट्स को मैं किचन में कैसे स्टाइल कर रही हूं वो आपको देखने को मिल जाएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। द अर्बन वुमन या साइनिंग ऑफ।